तो भाई लोग कैसे हो? तो यार स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में, जिसमें आपका भाई थर्ड क्लास कमेंट्री करता है, ठीक है। और वो घटिया जोक्स तो भाई भूलना मत। तो यार अभी हम जोरजो में आए हैं, है ना, लगभग हमेशा की तरह, क्योंकि यहीं पे हम जाते हैं, है ना, जोरजो नोवो पोचंकी, और कहीं जाना आता ही नहीं। खैर इसमें भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, पर हो जाती हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी देखना है क्या होता है तो बने रहिए हमारे साथ। फिर से वही घटिया न्यूज़ वाला डायलॉग मार रहा हूँ यार। खैर न्यूज़ ना बाढ़ में गया है ना, फिलहाल के लिए स्कारेल मिल गया तुम्हारे भाई को, तो जरा बंदे लेटाने जाता हूँ। मारा चला गया, लोग रिवाइव हो जाएंगे। मार मार, अबे यार मुझे क्या करोगा। अब यहाँ पे मैं कुछ लॉन्डो को नंगा पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उनके पास गन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो स्टार्टिंग में भाई जैसी अगर तुमको जल्दी से गन मिल जाती है ना, तो भैया कुत्तों की तरह रस कर दो, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि उन्हें भी मिल गई होगी गन और तुम ठिल जाओगे, पर इसके एडवांटेज भी होते हैं। स्क्वाड वाइप हो जाती है कभी कभार, है ना, किल मिल जाते हैं अच्छे खासे, तो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है उन्हें गन नहीं मिली है तो भैया घुस जाओ, ठीक है। गन लो और कुत्तों की तरह वहाँ घुस जाओ उनके पास, ठीक है। लाइजॉल का नाम ले लेना एक बार, ऐसे बोलना लाइजॉल, तो हो सकता है आपको मौत ना मिले, कुछ भी हो सकता है। अरे अब मुझे नहीं पता इन लॉर्डों ने पता नहीं कौन सा नशा कर रखा था, कोई इधर भाग रहा है, कोई यहाँ से आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। गोलियां चल रही हैं भाई, क्या हो रहा था भाई? या तो मैंने नशा किया था डिटॉल का, ठीक है, या तो वो लाइजॉल के नशे में थे, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही थी, ठीक है। कोई ना कोई तो करके आया था नशा, तभी ऐसे भगम भगाई मच रही थी भाई, पता नहीं क्या हो रहा था। अब यहाँ पे मैं आके टीपीपी ले रहा हूँ, है ना, कुछ लॉन्डे पता नहीं कहाँ ऊपर ऊपर चढ़ रखे हैं। और रेडी हो जाओ भैया, गलत सीन आने वाला है, थोड़ी सी देर में आने वाला है। क्या हुआ बे, क्या हुआ, कैसे आया? ऊपर से कूदा क्या नीचे? तो भाई अब मेरी बात याद रखना, ठीक है। टावर में चढ़ने के ना अपने ही रिस्क होते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है टावर में चढ़ने से, या तो आप बहुत ही बढ़िया खेल के भाई स्पॉट स्पॉट करके बंदों को पेल देंगे, ठीक है, या तो आप पहले स्पॉट हो जाओगे और भाई बचने की जगह होती नहीं, कमी होती है टावर में जहां तक मुझे पता है। दूसरा दूसरा एंगल लेके बंदे पेल देंगे, पर आप पे होता है एडवांटेज, ठीक है, हाइट एडवांटेज होता है। पर यहाँ पे इनके साथ भाई ये गलत हुआ, हमने देख लिया, ये लोग यहाँ दुपक के बैठे हुए थे टावर के ऊपर। तो और क्या भाई, लिया लाइजोल का नाम, चलाया M4, मौत मिली इन्हें, और क्या कर सकते हैं। पर अब देखो भाई, अब ये देख लिया डिसएडवांटेज वाला पार्ट, ठीक है। एडवांटेज वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा आपको इसी वीडियो में, ठीक है। मल्टी वीडियो है ये, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ मैं इसलिए कूद रहा हूँ क्योंकि वहाँ पहाड़ी से भाई कुत्तों की तरह बंदे गोली चला रहे हैं ना, तो बचने की कोशिश कर रहा हूँ।
रुक रुक, अब भाग 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 जल्दी खेल कर। कहाँ पे? हाँ अब यहाँ पे भाई दूसरी स्क्वाड जो सिटी उतरी होती है ना भाई, ये कसम से बहुत दिमाग खराब लगता है। ये सिटी से आ जाते हैं लॉन्डे, सिटी सुटी लूट के हमें पेलने आ जाते हैं यहाँ जॉर्जो वाले वालों को, जो ऐसे नंगे होते हैं भाई। सब कुछ खत्म हो जाता है यहीं, जॉर्जो की जो लूट होती है फाइट में एक दूसरे से लड़ते हुए, उसके बाद सिटी वाले आ जाते हैं। खैर जो भी हो, यहाँ पे फुल चार लॉन्डे आए हैं, ठीक है। तो होना क्या था भाई, फटती है हमारी भाई, पीछे भगते हम दूसरे वेयर हाउस में आ जाते हैं पीछे भग भुग के। पर वो भी हराम है भाई, वो भी नहीं छोड़ रहे पीछा, वो भी आ जाते हैं हमारे साथ साथ लड़ने। तो अब क्या था भाई, यहीं पे रुक जाते हैं और बोलते हैं भाई डरो या मरो, ठीक है एक चीज होनी है, अब देखते हैं क्या होता है। क्रेन के ऊपर है और एक बगल वाला। हाँ, इस इधर 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 एनिमीज अहेड। ठीक है था। अब ये जो लौंडा था ये किसी और स्क्वाड का था, ठीक है, अपनी स्क्वाड का आखिरी लौंडा बचा हुआ था। और इनने डिसाइड किया कि क्रेन पे जाके बीटी लेंगे पूरी दो स्क्वाड से, एक हमारी स्क्वाड और एक जो पता नहीं चार लौंडे आए हैं सिटी से भग के, उनको दे रहा था। तो ये भी था भाई डिसाइड एडवांटेज वाला मामला, ठीक है भाई। देखो ऊपर था लौंडा, लौंडे ने गोली चलाई, हमने स्पॉट कर लिया, लौंडे को पेल दिया, वो कुछ नहीं कर सका, कवर के नाम पे कद्दू कुछ नहीं था उस पर, है ना। तो वो उसे पेलने के बाद भाई इन लोगों का भी फायदा हो गया जो सिटी से आए लौंडे, है ना, उन पर कोई गोलियां नहीं चला रहा है। अब तो हम पे होता है भाई दबा के रस, कुत्तों की तरह फटके चार हो जाती है बिल्कुल। 8x 4x 3x तो चाहिए, लियो। उतर रहा है इधर, अबे तो भाई अभी तक तो फटके चार थी भाई, नॉक होने के बाद फटके 12 हो गई, ठीक है। खैर उनका भी एक लौंडा नॉक है, तो हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करें अपना रस, ठीक है, और ऐसा ही होता है, मैंने देखी आगे तक वीडियो। खैर जो भी हो, यहाँ पे मेरी फटके भाई बिल्कुल 12 हो चुकी थी, है ना। रो रहा था मैं कि भाई प्लीज रिवाइव दे दे। मैं नॉक क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि भाई मैं अपने टीममेट से टकरा गया, दोनों एक ही जगह से टीपीपी ले रहे थे, है ना, और ऑप्शन भी नहीं थे। अगर मैं दूसरी साइड से टीपीपी लेता तो भाई उनकी गोलियां पड़ जाती है ना, तो वहां पे भी नॉक ही होना था। खैर अभी मैं कुत्तों की तरह पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि भाई अब क्या ही कर सकते हैं, और वेट करूंगा रिवाइव होने का। टीपी पे लेने की मेरी साइड थी। पीछे चले जाना है इसके। पीछे ही हूँ, आया तू ले पीछे से टीपीपी। तो यार मैं कसम खा के बता रहा हूं, जब मैंने ये गाड़ी की आवाज सुनी ना, मेरी फटके 69 हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा भाई दूसरी स्क्वाड आ गई हमसे पंगा लेने के लिए और गाड़ी उनने यहीं ठोकना है, तो भाई मेरी बिल्कुल ही फट गई थी, ठीक है। फिर मैंने देखा भाई देखता हूँ मौत की तरफ, तो पता चला भाई अपने ही लौंडे, अपने रैंडम लौंडे, पता नहीं कहाँ कहाँ सिवरनी झरका पता नहीं कहाँ उतरे थे भाई, आ गए बैकअप के लिए। पहली बार हुआ ऐसा जिंदगी में मेरे साथ भाई, इतना खुश तो मैं तब भी नहीं था जब भाई घर वालों ने वो बड़ी वाली डिटॉल की सीसी ला के दी थी मुझे, पता नहीं कितने एमएल की थी वो, भाई तब भी नहीं था मैं इतना खुश जितना कुछ अभी हुआ। कसम से मजा आ गया यार, अब जान में जान है, अब थोड़ा फटना कम हुआ है ना, वो भी चार हम भी चार, तो भाई अब पेलम पे पेला शुरू होगा, वो भी रस करते हैं हम पे कुत्तों की तरह। एनिमीज अहेड। उधर जाओ, आगे से आए बंदे। नॉक, उन्हें फ्लैंक मार दिया। अच्छा रुक रुक, आने दे, कैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, आगे संभाल। एनिमी
पीछे वाला एक ये फिनिश कर, फिर वो लास्ट ऊपर वाला बचेगा। ये पीछे वाला मेरे पीछे है जस्ट। हाँ तू दौड़ के मेरे पीछे ही है भाई, मुझे फिनिश कर रहा है, पता नहीं कहाँ से। जल्दी है 1 HP हूँ मैं। वो इधर की साइड भागा जो। Enemies ahead. हाँ मतलब वो नौ, मतलब नौ के वो दे वो दे वो दे, जल्दी हील। ओ भाई ऑल डेड। तो यार यहाँ पे क्या होता है कि एक लौंडा इनका भाई क्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, और उसे साफ दिख रहा होता है वेयरहाउस के अंदर क्या छुपन छुपाई चल रही है, सब पता चल रहा होता है उसे, सब देख रहा होता है वो। तो ये था एक एडवांटेज, ठीक है, हमें ठीक से पता नहीं था कि भाई वो क्रेन पे चढ़ा है और हम वेयरहाउस के अंदर थे तो कुछ कर भी नहीं सकते थे हम खास। तो उनने भाई अच्छे से नॉक नुक कर दिया बंदे में, आखिरी बचावा था, रेवरूफ दे दिया मैंने, पर हमारा एक रैंडम टीममेट भाई मर गया, जो कि बहुत बुरा है यार। ये लोग रिवाइव देने आए कसम से, अच्छा मैंने कभी नहीं बोला रैंडम टीममेट्स के लिए, बहुत ही कम बोलता हूँ, पर भाई ये लौंडे सही थे, ठीक है, ये आया हमारे बचाने के लिए भाई, मज़ा आ गया। तो कसम से यार ऐसे टीममेट होने चाहिए यार, ऐसे बंदे होने चाहिए दुनिया में भाई, होने चाहिए ऐसे। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है यार, तो मैं थोड़ा सा कम बोलूँगा अभी, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि भाई तेरा दूसरा टीममेट कैसे मर गया, तो यार वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मरा है, अकेले रस्किया स्क्वाड पे भाई मर गया, अब क्या ही कर सकते हैं। पेड़ के राइट में देखता नू, और नेट अब यहाँ पे मारकाट अभी भी जारी है, ठीक है, यहाँ पे आगे घरों में भाई लौंडे लड़ रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं, ठीक है, सांप सूप बन रखे हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई हमसे तो ना हो पाएगा, मेरी ऐसी फटी पड़ी है, ठीक है, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत लड़ चुका हूँ मैं, ठीक है, बकवास था, असल में मेरी फट रखी थी यहाँ मरने से। तो मैं बोलता हूँ भाई अपने टीममेट को कि भाई चलो गाड़ी में चलो, यहाँ से निकल लें इससे पहले बहुत लेट हो जाए। बंदे नहीं है क्या? लॉल नेट नेट कौन कर रहा है? नेट नहीं है तेरे पास? ओपे फैन अब
अब आपने ये देखा होगा कि यहाँ से मैं गया नहीं अपने टीममेट को रिवाइव करने अंदर, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं अंदर जाता तो मैं यहाँ से टीपीपी नहीं ले पाता, ठीक है, टीपीपी नहीं ले पाता तो मुझे पता नहीं चलता कि भाई लॉन्डे रस कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने अपने टीममेट को बोला, रैंडम टीममेट को, कि भाई तुम इधर आ जाओ अगर तुम्हें बसना है तो, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया था भैया नॉक ना होना, पर वो नॉक हो गए, अब क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसलिए दूंगा रिवाइव क्योंकि यहाँ से मैं देख भी पा रहा हूँ, ठीक है, अगर वो कूदेंगे उस घर से तो मैं यहाँ रिवाइव कैंसिल करके जल्दी से उन्हें पेल दूंगा, क्योंकि वही बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि उन्होंने अगर रस कर दिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। खैर वो लोग करते नहीं रस, मुझे नहीं पता क्या क्या फूक के बैठे हैं वो लोग, क्यों नहीं करते रस, पर जो भी हो भाई हमारे लिए बढ़िया है, तो रिवाइव हो जाता है, मेरा टीममेट बच जाता है यहाँ पे। दो है शायद, एक ही होगा, देख देख उड़ा देना उसे, एक ही बार फेंक, दो है ऊपर वाले के मुंह पे फेंक नेट। ये भी दिख रहा है, ओ भाई लॉल देखा। अबे यार दो बंदे और, अब यहाँ पे मेरे नेट को भाई नशे होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों भाई, ना बारिश हो रही है ना बिजली कड़क रही है, पर भाई नशे होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भैया जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा ये मैच, है ना, नहीं तो ये जो मुंह पे चिकन आया है ना भाई, ये भी छिन जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैं एंड में बोलता हूँ भैया आर्या पार बाढ़ में गया सब कुछ, मैं जा रहा हूँ इससे पहले मेरा नेट भाई बंद हो जाए बिल्कुल और चिकन मुंह से चला जाए। भाई मैं स्कोप खोलता हूँ अपना, ठीक है, और स्कोप खोल के धीरे धीरे चलने लगता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई जैसे ही ये बंदा पीक पुक करेगा पेल देंगे साले को। खैर वो बंदा पीक करता है और मेरा टीममेट भी यार ऊपर से फायरिंग करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो चिकन डिनर भाई 19 किल कतई जहर, ठीक है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतने, यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बाय बाय। We'll be right back.
है।